रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिर्च का रेट अभी भी बढ़िया चल रहा है, आवक भी आया अच्छी थी भाई, मंडी में होंगे 500-600 कट्टे हो गए। सभी किसान व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों आज दिन है शनिवार और तारीख 14 अक्टूबर 2023। आज सुबह का मौसम साफ रहा, गूगल वेदर रिपोर्ट के अनुसार कल भी मौसम साफ रहेगा। आज शनिवार को मंडी में फल सब्जियों की आवक, बिक्री और मंडी का माहौल कैसा रहा, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो में आड़ती भाइयों से बातचीत करेंगे और अपना अनुभव भी बताएंगे। भाइयों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि हम भी यह समझें कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सब्जियों के बाजार भाव से और जानते हैं आड़ती भाई से आज का बाजार भाव। एग्री मंडी परिवार के सभी दर्शकों को नमस्कार। भाइयों मैं रमेश लावल आज करनाल मंडी में सब्जियों के बाजार भाव की जानकारी लेने के लिए पहुंच चुका हूं आरती भाई के पास और जानते हैं आज करनाल मंडी में सब्जियों का कैसी आवक है और कैसा माहौल है, कैसी बिक्री है, ये विस्तार से जानकारी लेंगे आरती भाई से। भाव जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। नमस्कार रमेश जी, कैसे हो? बढ़िया भाव जी, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत। भाव जी आज सब्जियों का कैसा माहौल है जी, कैसा आवक कैसी है जी, आपसे जानकारी चाहेंगे। आवक अच्छी है जी। जी सर, थोड़ा सा रेट डाउन है, मिर्च का रेट अभी भी बढ़िया चल रहा है। मिर्च का रेट अच्छा चल रहा है जी। साग पालक की अराइवल अच्छी है, मूली की अराइवल अच्छी है, तो रेट डाउन है। मूली क्या रेट चल रही है बाबू जी आज? मूली चल रही है 6-8 रुपए जी। बढ़िया 6-8 रुपए किलो जी। मूली काफी डाउन आ गई है बाबू जी, अब आवक ज्यादा बढ़ गई है जी। लोकल आवक बहुत शुरू हो गई है। साग पालक बाबू जी? साग पालक भी सस्ता ही चल रहा है जी, 6-10 रुपए के बीच में। 6-10 के बीच में जी। हाँ जी हाँ जी। साग पालक भी काफी मंदा हो गया जी आजकल। हाँ जी हाँ जी, मंदा हो गया। और बाबू जी हरी मिर्च आई जी अपने पास, हरी मिर्च का क्या बात है? हरी मिर्च बढ़िया 70 रुपए है जी, 70-75 बारीक। 70-75 बढ़िया बारीक मिर्च। हाँ जी हाँ जी। और बाबू जी मेथी भी आई हुई थी अपने पास, मेथी का रेट है जी 20-30 रुपए 20-30 रुपए किलो। हाँ जी हाँ जी। और हरा का क्या बाजार है बाबू जी? धनिया जी आज 65-70 रुपए किलो बिका है। 65-70 रुपए किलो। हाँ जी। अब हरे धनिया की लोकल आवक शुरू होगी बाबू जी? हाँ जी हो गई है, और देखो रेट आगे थोड़ा डाउन जाने की उम्मीद है जी। जी जी। और बाबू जी उठाव कैसा रहा जी आज सब्जियों का? उठाव तो अच्छा था जी, पर आवक भी बहुत अच्छी थी, उठाव भी अच्छा है, तो अभी तो आवक थोड़ी ज्यादा है, उस हिसाब से उठाव कम कह सकते हैं। वैसे जनरल तौर पे उठाव आज बहुत अच्छा था, उठाव बहुत अच्छा रहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज आपने सब्जियों के बारे में, साग पालक के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। नाम नंबर और फर्म का नाम बता दीजिए बाबू जी। सुमित सचदेवा, रामा फ्रूट एजेंसी, रामा श्यामा फ्रूट एजेंसी, 94-162-066-99 94-162-099। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। मंडी के अंदर साग पालक की आवक आजकल अच्छी देखी जा रही है और बहुत सारा साग पालक आजकल मंडी में आया हुआ है, बाजार भी काफी आज नीचे जा चुका है, तो एक किसान भाई से जानना चाहेंगे साग पालक के बारे में विस्तार से। भाई जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। आप बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हो भाई जी? बस बढ़िया भाई जी। भाई जी सबसे पहले आपका थोड़ा परिचय जानना चाहेंगे, कौन से गांव से आए आप? वीपीओ दरड़ डिस्ट्रिक्ट करनाल। वीपीओ दरड़ डिस्ट्रिक्ट करनाल, दरड़ गांव से? हाँ जी दरड़ से। क्या कुछ लेके आया जी आज? भैया आज पालक लेके आया था 5-7 क्विंटल। 5-7 क्विंटल जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या कुछ रेट बिका पालक अपना आज? कुछ बिकी भाई जी मेरी बिकी अपना 60-70 रुपए दड़ी जी, जी। अब तो फिर 50 गई, अब 30 रुपए आ गई। अब 30 रुपए आ गई है? हाँ 6 रुपए किलो। 6 रुपए किलो, क्या इसमें किसान खाएगा और क्या किसी को देगा और क्या खुद करेगा, मतलब काफी डाउन चलेगी या पालक डाउन चला गया भाई? तो सुबह के टाइम में बाजार अच्छा रहा था? हाँ सुबह के टाइम में बाजार अच्छा था, ठीक था, अपना खर्चा पानी पूरा हो जाता है। जी 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 जी। हाँ जी। भाई जी आपने कौन कौन सी सब्जियां उगाई आजकल? भैया जी धनिया जी, पालक और मेथी। धनिया इसके अलावा आपने और भी सब्जियां उगाते हैं? हाँ जी धनिया लगा रखा है भाई साहब, 2-3 एकड़। 2-3 एकड़ धनिया लगाया हुआ है? हाँ जी 3 एकड़ है जी। 3 एकड़ धनिया है। हाँ जी। हरी सब्जी में क्या कुछ लगाते हो? हरी में जी अपना धनिया हो गया जी, पालक होगी, मेथी होगी, जीरा वगैरह, खीरा, यही चलता है, यही चलता है। हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने थोड़ा सा जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ कि कैसी आवक और मंडी में उठाव कैसा रहा आपकी सब्जियों का, धन्यवाद करते हैं भाई जी। ओके भाई जी थैंक यू। कुछ सब्जियां जो बकाया रहती है उनके भाव इस प्रकार से हैं। आलू आगरा 500 रुपए से 540 रुपए कट्टा, एक कट्टे में 50 किलो आलू होते हैं। आलू डायमंड 550 रुपए से 580 रुपए कट्टा। आलू चिप्सोना 700 रुपए से 750 रुपए कट्टा। प्याज एमपी का भाव आज 26 से 28 रुपए किलो रहा।
प्याज राजस्थानी 24 से 26 रुपए किलो बिका, लोकल प्याज 24 से 26 किलो रहा है। टमाटर भाइयों आज 300 से 450 रुपए क्रेट बिका है। एक क्रेट में 25 किलो टमाटर होते हैं, जिसमें ये माल 300 रुपए और ये माल 400 से 450 रुपए बिका है। मटर का भाव 80 से 90 रुपए किलो रहा, शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए किलो तक बिकी है। और सूरज सेठ, फूल गोभी 30 रुपए से 35 रुपए किलो का भाव रहा और बंद गोभी का भाव आज 28 से 30 रुपए किलो रहा है। ये चना साग है जो कि 45 से 50 रुपए किलो बिका है। पुदीने का भाव 70 से 80 रुपए किलो रहा। करेला आज 28 से 30 रुपए किलो और भाइयों हरा पिठा 10 से 11 रुपए किलो रहा। नींबू, ये लोकल वाला नींबू है जो कि 22 रुपए से 25 रुपए किलो के भाव से बिका है। खीरा आज 22 से 28 रुपए किलो रहा है। घिया 18 से 22 रुपए किलो। तोरी का भाव 28 से 30 रुपए किलो रहा और बैंगन भाइयों 18 से 22 रुपए किलो बिका है। अरबी में ये माल 34 से 35 रुपए किलो रहा है। फ्रांस बीन आज 45 से 50 रुपए किलो बिकी है। कच्चा केला 10 से 11 रुपए किलो रहा और अदरक भाइयों 90 से 100 रुपए किलो थोक भाव में बिका है। जानते हैं लहसुन का भाव और देखते हैं बोली। यहाँ 70 रुपए जाए भाई। हाँ 76 80 रुपए अभी 80 रुपए 80 रुपए 81 रुपए 81.5 रुपए अरे भाई बड़ी दूर से है। जाए भाई राजमणि लिखो जी 81 रुपए 82 रुपए 107 लाला जी है तो कुछ नहीं, पत्ती भी है। हाँ भाई बोलू मैं। 8 रुपए 9 रुपए 9 इसकी 10 11 लिखो जी अनिल इसका मतलब। भाऊजी राम राम जी। राम राम भाई राम राम। भाऊजी आज लहसुन का क्या कुछ माहौल चला जी, क्या कुछ बाजार रहा जी आज? लहसुन भाई 80 रुपए लेके 130 रुपए किलो तक बिका। 80 तक 130 रुपए किलो जी। और आवक कैसी रही भाऊजी आज? आवक भी अच्छी थी भाई। आवक अच्छी थी जी। हाँ। मंडी में कितना माल आया होगा भाऊजी आज? मंडी में होंगे 500-600 कट्टे हो जाएंगे आज। 500-600 कट्टे के लगभग। और भाऊजी तूरी माल? तूरी माल भी 70 से लेके 108-110 रुपए तक। 70 से लेके 108-110 तक है। भाजी तुरी माल अभी कुछ ज्यादा आ रहा है, कुछ आवक कम हुई तुरी माल की? ना मैं अभी तो चल रही है, लगाई चल रही है ना लहसुन की। हाँ जी हाँ जी। इस करके तुरी ज्यादा आ रही है अभी। और मतलब जो बच जाता है जी, वो रह जाता वो लेके आ जाते हैं। जी जी जी। मैं भी देख रहा था जी, कई दिन से मंडी में तुरी माल बहुत ज्यादा आ रहा है जी। इसी करके आ रहा है भाई। अच्छा जी, मतलब बिजाई का टाइम है जी। हाँ लहसुन बिजाई चल रही है ना, तो बिजाई अभी चल रही है जी। अभी और भी होनी आगे? हाँ होनी भाई, अभी 10-12 दिन और चलेगी बिजाई। 10-12 दिन और चलेगी। और बाजार का कैसा माहौल चलेगा भाजी? बाजार आगे तेजी हो सका वो मंदा नहीं होगा, मतलब आगे बाजार थोड़ा और सुधार की तरफ जाने की संभावना है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाजी, आज आपने लहसुन के बारे में हमारे दर्शकों के साथ विस्तार से जानकारी साझा करी। नाम नंबर और फर्म का नाम बताओ भाजी। मेरा नाम गुलाब सिंह है भाई, फर्म का नाम जयमा ट्रेडिंग कंपनी है। फोन नंबर 92-55-90-7000। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी। ठीक है। फलों के भाव की जानकारी आरती भाई से लेते हैं और जानते हैं आज फलों का कैसा माहौल है। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबूजी आज करनाल मंडी में फलों का बाजार आपसे जानना चाहेंगे। अपने पास सेब केला आया हुआ बाबूजी, शुरुआत केले से करते हैं। केले का क्या बाजार चला बाबूजी आज? केले का बाबूजी 800 रुपए का। 800 रुपए कितने दर्जन वाला बाबूजी? 15 दर्जन 15 दर्जन। और उसके बाद बाबूजी ये अनानास राजा 40 रुपए किलो। 40 जी। और रानी का क्या बाजार है बाबूजी? 60 रुपए रानी। 60 रुपए किलो। मौसमी? मौसमी पत्ता। हाँ जी बाबू जी।
मौसमी कट्टा भाई 750 रुपए का। 750, ये कितना नंबर है बाबू जी? 3 नंबर। 3 नंबर। नारियल पानी भी आया बाबू जी अपने पास? 850 रुपए का। 850 रुपए का जी? हाँ, 20 पीस जी। हाँ। और अनार की भी बाबू जी अच्छी वैरायटी अपने पास आज? अनार का डब्बा ये कितने किलो, क्या रुपए, क्या रेट चला बाबू जी अनार का? भाई 1000 रुपए का। 1000 रुपए का, मतलब 100 रुपए किलो के हिसाब से चला हुआ है ये। कौन सा माल है बाबू जी? ये कुल्लू वाला माल। कुल्लू वाला माल। और बाबू जी सेब के बारे में क्या चला हुआ, सेब का क्या कुछ रेट चला हुआ है? सेब का 1100 की पट्टी। ये 1100 रुपए की, कितने किलो वजन है बाबू जी इसका? 14 किलो। 14 किलो जी। कश्मीरी माल है? कश्मीरी माल है जी। जी जी, ये और भी अपने पास कश्मीरी माल है। और बोतल भी आजकल बिक रहा है जी, नारियल का क्या बाजार चला हुआ है? नारियल का क्या रेट बाबू जी? 1700 से 1900। 1700 रुपए से 1900 रुपए जी। नारियल आजकल नवरात्रे अभी शुरू हो चुके हैं, कल से पहला नवरात्रा है और नारियल की काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे आवक है मंडी के अंदर। कोई भी भाई अगर नारियल खरीदना चाहे तो कमल जी के पास नारियल भी उपलब्ध है। धन्यवाद करते हैं बाबू जी आज अपने फलों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। बाबू जी अपना नाम नंबर और फर्म का नाम बता दीजिए। मेरा नाम रजत, नाम है मेरा रजत जी। हाँ जी। बाबू जी फर्म का नाम? कमल कुमार, रजत कुमार। और मोबाइल नंबर बाबू जी? 8813018145। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका। बकाया कुछ फल रहते हैं, उनके भाव इस प्रकार से रहे। अमरूद में ये माल भाइयों 40 से 45 रुपए किलो बिका है और संतरे का ये लाट 60 रुपए से 65 रुपए किलो के भाव से बिका है। पपीता आज 50 से 65 रुपए किलो तक बिका। तरबूज का भाव 22 रुपए से 24 रुपए किलो रहा है। किन्नू 20 किलो का कट्टा होता है जो कि 300 रुपए का बिका है। सिंघाड़े का भाव, ये सुबह का माल भाइयों, आज 28 से 30 रुपए किलो बिका है। कुछ माल मंडी में परचून में बिकता है जिसका कारण उसका ज़्यादा भाव या कम लागत का होना होता है, उनके भाव आज इस प्रकार से रहे हैं। पीली गाजर 38 से 40 रुपए किलो, भीसा 80 से 90 रुपए किलो। मशरूम का भाव 140 से 150 रुपए किलो रहा। गवार फली 45 से 50 तक बिकी है। लाल पीली शिमला मिर्च 200-250 रुपए। ककोड़े का भाव 60 से 65 रुपए किलो रहा। परवल आज 40 से 45 रुपए किलो रही। टिंडे का भाव 55 से 60 रुपए किलो परचून में रहा है करनाल मंडी में। एक दिन की छुट्टी के बाद मंडी में माल की आवक और ग्राहकी ठीक नजर आई। हरी मिर्च का बाजार तेज रहा, फलों में भी तेजी देखने को मिली। साग पालक और मूली का बाजार काफ़ी मंदा रहा। भाइयों यह था आज करनाल मंडी का ताज़ा बाजार भाव। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप हमें कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।